guys, welcome to Three's a Crowd. So I talk to three of my friends जो MBBS कर रहे हैं from Delhi's top colleges. colleges का कुछ नहीं है, सब हम सभी परेशान हैं. अभी कुछ बच्चों का नीट हुआ होगा, कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में सोच रहे होंगे भाई MBBS लाइफ कितनी अच्छी होती है, क्या होता है. इतना लोग आइडियलाइज करके रख देते हैं ना. सो आई रिकॉर्डेड सम ऑफ द कॉन्वर्सेशन. मैं बोला कैमरे पे बताओ तुम ये सब. एंड माई जॉब इज टू ब्रिंग टू यू गाइज द ट्रूथ अनफिल्टर्ड. जो आप अपने ड्रीम्स और होप्स उसको शैटर करने के लिए नहीं, बट आपको एक रियलिटी चेक देने के लिए. सो होप यू एंजॉय द कॉन्वर्सेशन ऑफ आवर लाइव्स. सो गाइस वेलकम बैक शिखर. ओ थोड़ा दूर दूर हो जाओ, चल ना, चल पीछे रुक. यार ऐसे नहीं हो, तुम में से एक भी आओ. वेलकम बैक पीयूष, वेलकम बैक शौर्य, शिखर. शिखर तू बता, तू तेरी कौन सी पोस्टिंग चल रही है अभी? मेरी गायनी. क्या सीखा? क्या कितनी अटेंड करी पहले ये सारे, सारे अटेंड किए. क्या क्या सीखा, क्या क्या देखने, कुछ कुछ बहुत ऐसा भी क्या क्या देखने. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तेरे को मतलब थोड़ा लगता है कि बहुत ज्यादा पेशेंट लोड होता होगा? नहीं नहीं, जितना पेशेंट लोड होता है ना उतने रूम्स भी होते हैं. मेरे फ्लोर पे कितने 6 रूम्स होते हैं. कभी पेशेंट्स की कमी तो नहीं लगती होगी? गायनी में न्यू बॉर्न बेबीज तो देखे होंगे. क्यूट बच्चे देखे तूने कोई? मुझे तो नहीं देखे मतलब. तो कैसा था ऑल इन ऑल तेरा गायनी का एक्सपीरियंस? अरे पोस्टिंग तो बहुत अच्छी है भाई. ओपीडी अलग अलग एक्सपीरियंस है ना, पेशेंट से इंटरेक्शन करना. हाँ बहुत यार, बहुत स्टडी में भी इतनी दिक्कत होती है क्योंकि झूठ बोलते हैं पेशेंट्स. और क्या झूठ बोलते हैं, लोगों को अपनी एज नहीं पता होती भाई. पता है एक लेडी कहती मेरी एज 50 है, उसके पर्चे में 60 लिखा है. यहाँ तो कुछ और लिखा है. वो कहती है मेरे हस्बैंड ने लिखा दिया. तुम दोनों की पोस्टिंग कैसी थी, कौन सी थी अभी? क्या सीखा? बहुत सीखा. क्या सीखा? एडिट विधि, आपने इतने टैलेंटेड कैमरा वर्क आपने कैसे किया? मैं मतलब बात करूं किसी इंसान से या कैमरा पकड़ के ऐसे से करती रहूं? मैं बस बात करी थी, आई डिडंट रियलाइज कि कैमरा. वेलकम टू माय लाइफ. ये दोनों एक दिन भी नहीं गए, एक दिन भी नहीं गए अब तक. दिस इज माय कन्फेशन. साइकेट्री है यार, साइकेट्री लोग एक दिन नहीं गए. साइकेट्री का सो गया, सो गया. शाबाश बेटा. अरे गायनी में क्या था बता दो ना. एक पीजी वाली बैठी थी फर्स्ट ईयर, वो नहीं आई थी. तो मैम कहती ये इंटर्न है, अब इनसे कहीं पूछती हूं. उसने पूछा था नहीं क्या होता है, उसने बोला परप्यूरियम क्या होता है. मेरे को पता है परप्यूरियम. जैसे नहीं मुझे पता क्या होता है. बता भाई, तू बता, रुक जा, तू बता क्या होता है. क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है परप्यूरियम? नहीं, लो प्लेटलेट्स का. नहीं बिल्कुल भी नहीं. परप्यूरियम इज जिसकी ना डिलीवरी हो रखी होती है और उसका यूट्रस फ्रॉम मतलब डिलीवरी वाले स्टेट से नॉर्मल स्टेट. तो परप्यूरियम पता है क्या होता है तेरे को? मेरे को पता है, मैं बता रहा हूँ. हाँ बता. उसके 3 पार्ट्स होते हैं. एल्बा वही होता है, वो व्हाइट स्टार. एल्बा इज व्हाइट स्टार. वो परप्यूरियम नहीं होता. वो परप्यूरियम उसका नाम कुछ और होता है यार. सिरस, एल्बा और एक और तीसरा भी होता है. एक और ये परप्यूरियम, इनका नाम को याद नहीं आ रहा क्या था यार. अरे ये परप्यूरियम होता है, अभी शूट करा फिर मैं बताऊं. परप्यूरियम नहीं, परप्यूरियम परप्यूरियम फीमेल होती है जिसका यूट्रस नॉर्मल स्टेट में जाता है. परप्यूरियम वो टू स्टार्ट 6 वीक्स फर्स्ट डे में क्या होता है 2.5 सेंटीमीटर नीचे आते हैं. ठीक है, 2.5 टू 1.5. और ये बिल्कुल गलत बोल रही है. मैं बिल्कुल सही बोल रहा. लैक्टेशन भी परप्यूरियम का पार्ट नहीं. ठीक है, बता. परप्यूरियम का पार्ट नहीं है. हां है कुछ तो आता था, कुछ जो आता होता था. चुप रह. एडिट, परप्यूरियम क्या होता है मुझे तो ऑब्वियसली पता है, बट आई वॉन्ट कि आप लोग कमेंट करके नीचे बताओ कि शिखर और विधि में से कौन सही है. वैसे देयर इज अ गुड चांस कि दोनों ही गलत हो. लर्निंग वाइज बताओ तुमने कैसे. लर्निंग वाइज, अरे एक्सपोजर है यार. मतलब किसी भी डॉक्टर के साथ बैठ के ओपीडी में बैठना ही एक्सपोजर है. काफी कुछ सीखने को मिलता है भाई, कैसे बात करनी है. लोगों को पता नहीं होता, जैसे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड होती है तो पता क्या बोलते, तुम्हारा रास्ता बंद है. हाँ, तो मेरे को तो हंसी. नली, बच्चेदानी, यूट्रस बच्चेदानी होता है. हाँ, उसकी एक केस आया था, उसमें एक जो फीमेल थी उसके 2 यूट्रस थे. वो हाँ, तो उसके बीच में ना एक वो बन रखी थी. तो कहते तुम्हारे उसमें छर्रा हो रखा है, उसे पता नहीं क्या. बहुत मतलब ऐसा है कि उनसे कम्युनिकेट करने के लिए तुम्हें एक अलग लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है ऐसा. एक भाई, एक फीमेल थी, 16 ग्रेविडा था, मतलब 16 कंसीव किया और 14 अबॉर्शंस, 14 अबॉर्शन, सेकंड मैरिज 30 ईयर एज. जो लोग ना मतलब बहुत बहुत नीडी होते हैं, मतलब तुमको भगवान की तरह देखते होंगे तो बच्चों को भी, क्योंकि वो तो लाइन कोई वो तो आके सीधे पूछते हैं डॉक्टर साहब ये पर्ची देख लो, ये हमें मैम ने बताई थी, इसमें कौन सी दवाई लिख रही है, कहाँ कराना है ये. तो तुम तो क्या बोलता है? मैं बता देता हूँ कि 14 रूम में चले जाइए, 14 रूम में से बैठे होते तो ये आपका 14 रूम में जाना है. तुम्हें मजा आता है हिस्ट्री लेने में?
मतलब हाँ मेरे को तो आता ही है, हिस्ट्री टेक्निक बहुत टाइप्स की होती है भाई, बहुत टाइप्स की, बहुत टाइप की होती है हिस्ट्री। आगे आगे भाई फोलिक एसिड, फोलिक एसिड पूछना बता कितना होता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड 500 मिलीग्राम 100 दिन माइक्रोग्राम 500 माइक्रोग्राम कितना 1000 को ना पढ़ा दिया। 2 ग्राम होते हैं 400 डेज। आयरन भी तेरे शायद 100 मिलीग्राम होते हैं 400 डेज। गलत बोल रहा है तू, पता है ना तेरे को। हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो यूड एक्सपेक्ट की यहाँ पे मोस्ट सारे जितने लोग होंगे मेजोरिटी लोअर स्ट्रेटा के, बट ऐसा है नहीं। काफी लोग आते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, काफी लोग आते हैं जो बहुत अमीर भी होते हैं बिकॉज ऑफ द डॉक्टर्स। नहीं भाई आरएमएल है भाई नाम है। सुबह की जब क्लासेस करते ना 8 to 9 or 9 to 10 उसके बाद जब वहाँ से निकलते ना कॉलेज क्लासेस के बाद कहीं ऐसा होता है कि अर्ली मॉर्निंग में थोड़ी सी तो इतनी सी नींद आती है, बट उसके बाद जब वहाँ से रहते ना तो भाई वहाँ से एनर्जी आती है और वहाँ से फील आती है वो एकदम जब लाइन से जा रहे होते ना ओपीडी की तरफ। टू एक्चुअली बिकम लाइक एक्ट लाइक अ डॉक्टर, ऐसा है कि हॉस्पिटल जाके ना पेशेंट्स को देख के तो देख वो तो है ही कि डॉक्टर से फील होते, बट एट द सेम टाइम लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता भाई। सेकंड ईयर में तुम्हें कुछ नहीं आता भाई, कुछ भी नहीं आता। पोस्टिंग वो है ना, पोस्टिंग में वो एक क्या कहते हैं एक्सपोजर है, एक्सपोजर क्लिनिकल कि तुम आगे के लिए रेडी रहो आगे के लिए, और एक फील आती है कि भाई फील तो ऐसी आती है ना, मतलब वही पता है वो यार पता लगाना है कि तुम्हें सर हेल्प हेल्प से बचाओ। हां डॉक्टर आए टाइम हेल्प करते हैं, आए टाइम तो वो लेते हैं। सेकंड ईयर को वो फर्स्ट ईयर में था नहीं, फर्स्ट अच्छा था बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया था दोनों, लेकिन सेकंड ईयर में भाई क्लिनिकल क्लिनिक्स तो भाई आने वाले कुछ टाइम में बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो आ रहे हैं। सही वी हैव सो मच प्लान फॉर यू गाइस, आल्सो हैप्पी रक्षाबंधन अगर आप सोच रहे हो मैं ऐसे ड्रेस्ड अप क्यों है। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय।